मैं सिविल सोसाइटी जो जुल्फिकार आबाद सलीमपुर अपर चुटियाल यासीन कॉलोनी वगैरह वगैरह मैं इनका भी बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे 100% वोट दिया और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बिला तफरीक सबकी खिदमत करूंगा सबके लिए मैं सबकी गमी खुशी में मैं शरीक रहूंगा पैगाम मैं बिलावल साहब को ये देना चाहता हूँ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के रिवायात हम रिवायती लोग हैं हम मेहमान नवाज लोग हैं 16 लाख जो हमारी आवाम है ये खानदानी आवाम है ये सब मुहिब वतन है आप पिछले 1 महीने से गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन में मसरूफ हैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नून लीग की लीडरशिप की ख्वाहिश के मुताबिक आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसमें मैं खुद शरीक था आपकी क्यादत ने आपकी पार्टी ने इलेक्शन के दिन पाक फौज की मदद लेने से आपने इनकार किया जो एक शर्मिंदगी का बाइस रहा पाकिस्तान के 4 सूबों में वफाक में हमने देखा पिछले इलेक्शनों में पाक फौज को केस देकर हुकूमतें और सूबों की इंतजामिया मदद के लिए बुला दी तो यहां अगर इस दफा पाक फौज की निगरानी होती तो क्या होता आपने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कहा कि पाक फौज नहीं होनी चाहिए पुलिस होनी चाहिए उसी महफिल में मैंने कहा कि हम कोई हिंदुस्तान से कोई फौज नहीं मंगवा रहे ये वो फौज है जिसके बारे में मोदी सोचता है उसकी टांगी काम की है एक जवान अगर बाहर खड़ा हो एक छत पे खड़ा हो कौन सी क़यामत की बात थी लेकिन आपने अच्छा किया आपने मना किया पाक फौज नहीं आई मैं एक्स चीफ अपना चीफ केयरटेकर चीफ मिनिस्टर मीर अफजल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ सेक्रेटरी फोरम आवास साहब का उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं एफसीएनए कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को साफ और छपा बना दिया है पाक फौज को नहीं ले सके Yeah.